नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। हमेशा की तरह आपके समक्ष मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। मित्रों, ऐसा है कि बहुत ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोई सिने तारिका, उसका निधन हो गया, 40 से कम उम्र में हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक आया और निधन हो गया। कोई सिने कलाकार कसरत करते हुए जिम में गिर गया और अचानक से हृदय की गति रुक गई और मृत्यु हो गई। आए दिन खिलाड़ियों के बारे में भी ऐसी खबर आती रहती है। कोई बैडमिंटन खिलाड़ी, परसों ही के दिन ऐसा हुआ कि बैडमिंटन खेलते समय 35 साल की उम्र थी, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, हृदय गति रुक गई। और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि लोगों ने उसे CPR किया, उसे वैसे ही रख दिया और फिर कुछ देर में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हो क्या रहा है समाज में, कि हम तो ये मानते थे कि हृदय रोग और हृदय से होने वाली मृत्यु ये लगभग 60 से आगे के लोगों की थी, ये क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान इंडियन हार्ट एसोसिएशन का डेटा कहता है कि 50% जो हार्ट अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें ये 50% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, हर दिन 30 साल से नीचे उम्र के कम 900 लोगों की मृत्यु हृदयघात से हो जाती है। तो बड़ा ही विस्मयकारी तथ्य है जिसके बारे में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जब यंग लड़के ICU में आते हैं और हम जांच करते हैं, पता चलता है कि इसे तो हृदय रोग है, इसे दिल का दौरा पड़ा है। बहुत देर तक ये लोग 2-3 दिन अपना खराब कर लेते हैं कि भाई एसिडिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेट में जलन है, अपच है, तो उसका इलाज होता रहता है और नाना प्रकार की जांचें होती रहती हैं और अंत में पता चलता है कि इनको हृदय रोग, हृदयघात हो गया है, MI हो गया है। और तब बहुत मुश्किल हो जाती है, डॉक्टर सांसद में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तो इस विषय पर सोचा कि क्यों ना, क्या इसका संबंध चयापचय मेटाबॉलिज्म से है। देखिए, सारी बीमारियों की जननी तो खान पानी है, जीवन शैली है, और आपके दिमाग में कितना टेंशन तनाव है, यही आपके जीवन की सच्चाई है। कहेंगे कि अगर 3 त्रिदेव है तो एक सबसे पहला जो उसमें देवता है, जिसके जो आपकी सुनिश्चित करता है कि जीवन आपका लंबा होगा, वो है खान पान, दूसरा है कसरत और तीसरा है आपका तनाव। जितना आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, उतने ही आपके जीवन में खुशियां और बाकी सब चीजें आएंगी। अभी लोग ये भी कहते हैं कि हाँ भी, कोरोना के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये मृत्यु कुछ ज्यादा बढ़ गई। कोरोना अपने आप में एक तनाव की स्थिति थी। कोरोना के बाद लोगों ने थोड़ी जागरूकता ऐसी आई कि लोगों का तनाव एक बहुत बढ़ गया, एक आर्थिक दृष्टि से तनाव बढ़ गया, सामाजिक दृष्टि से तनाव बढ़ गया, बहुत से निकट संबंधी चले गए, तो वो भी एक तनाव का विषय था। इसके साथ साथ थोड़ी एक जागरूकता, अति जागरूकता आ गई, कसरत की जागरूकता, तो लोग बिल्कुल जो कुछ नहीं करते थे वो अचानक दौड़ने भागने लगे, जिम में जाके बहुत वजन उठाने लग गए। तो उनमें भी फिर ऐसा हुआ कि अपने आप ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हो, जैसे ही आप उतरते हो अचानक से हृदयघात हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। आपने ऐसे वीडियोस जो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, आपने भी देखे होंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, कोरोना के बाद ऐसा कुछ नया नहीं हुआ, पर तनाव बढ़ गया और हमारी जीवन शैली में एक ये नई जीवन शैली हम अपनाना चाह रहे हैं जो कसरत की जीवन शैली है, तो वहां प्रश्न उठता है कि कसरत कैसे करनी चाहिए। तो हम भारतीय के तौर पे भी, हमारी जो हृदय की धमनियां हैं वो छोटी हैं। आप अगर वाइट लोगों से, विलायत से कंपेयर करें, कॉकेशियन से कंपेयर करें, तो उनकी जो हृदय की धमनियां हैं वो चौड़ी हैं। हमारी हृदय की धमनियां संकुचित है, सिकड़ी हुई है, और उसमें भी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको मालूम ही है उम्र के अनुरूप इन धमनियों के जो अंदर का हिस्सा होता है उसको एंडोथीलियम कहते हैं, वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो उसको हम कहते हैं प्लाक, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक। जैसे ही आप पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ साथ ही ये प्लाक जमना चालू हो जाता है। क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमें हृदय रोग होने की संभावना विदेशियों की बनस्पत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली से ज्यादा हमारे खून में भी ऐसी टेंडेंसी है कि अगर जब हम बहुतायत में कोई चीज लेने लगते हैं तो हमें वो जल्दी नुकसान करती है। धमनियां भी हमारी छोटी हैं और हमारे जीवन शैली में बहुत सारी चीजों का पदार्पण हो चुका है जो पहले नहीं था। तो ये जो जीवन शैली बदल गई,
तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। और आप देख रहे हैं कि कम उम्र में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो मुख्य तौर पे देखा जाए, जिनका कारण हो सकता है कि ये यंग एज में आपकी डेथ्स हो रही हैं, यंग एज में आपको MI हो रहा है? तो सारे विशेषज्ञों का मानना है कि इनके मुख्यतर कारण में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप नींद कैसी लेते हैं, दूसरी चीज है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपकी शुगर कैसी आ रही है, इसके साथ साथ आप व्यायाम कितना करते हैं, आपके लाइफ में तनाव कैसा है, क्या तनाव ज्यादा है कम है, फिर इसके साथ साथ आप नमक कितना लेते हैं, सैचुरेटेड फैट खाने में कितना लेते हैं, इसके साथ साथ ये सब चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं सब एकत्रित हो जाती हैं। और एकत्रित हो जाती हैं तो सारे दानव अगर एक ही जगह जमा हो गए तो फिर तो बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो ये जो एक रस्साकशी है, आप कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच में समुद्र मंथन हो रहा है। तो अगर समुद्र मंथन हो रहा है तो आपको संयमित रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि समुद्र मंथन में शुरू में जहर ही निकला था, उसके बाद अमृत मिला था। तो ये जो समुद्र मंथन है, इसमें भी हमें बहुत पैर हमारे सोच समझ के रखने होंगे और बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। तो मैं समुद्र मंथन के तौर पे आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी खान पान में परिवर्तन करें, सोच समझ के परिवर्तन करें, कसरत करें तो कसरत बहुत ज्यादा जोश में न करें, धीरे धीरे करें। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करने में कोई बुराई नहीं है, दौड़ना, भागना, साइकिलिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप जिम जाते हैं तो आप एक दिन में किसी दूसरे मित्र की बराबरी नहीं कर सकते। आपने सोचा कि आप जल्दी जल्दी 100 किलो वजन उठाने लग जाएंगे तो गड़बड़ होगा, वो जो स्ट्रेचिंग होगी वो एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और पता चला कि आपको आपके हृदय की धमनियों में प्लाक है जो कि अनस्टेबल प्लाक है, और मान लीजिए स्ट्रेचिंग के कारण, स्ट्रेस के कारण, इस तनाव के कारण जब दिल की धड़कन तेज हो गई वो रपच्चर हो गया, तो फिर छोटी उम्र में हृदय रोग हो जाएगा। और वो अगर रपच्चर होकर पूरी तरह से धमनी को रुकावट कर ले तो सडन कार्डियक डेथ तो ये भी हो सकती है, जो आप ये अनहोनिया देख रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, तो हमें एक क्या करना चाहिए, एक अच्छी जीवन शैली। देखिए क्या होता है कि आपको ये चीज सीखना होगा कि कैसे सम्मानजनक तरीके से जीवन जिया जाए, कैसे सम्मानजनक तरीके से उम्र के बढ़ते हुए सोपानों को प्राप्त किया जाए, कहते हैं ना ग्रेसफुल एजिंग। तो ग्रेसफुल एजिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये रोज की जो मारधाड़ है ये कम होनी चाहिए। मारधाड़ का मतलब क्या है, क्योंकि आपको इच्छा होती है कि हम ये भी करें, हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहें, मोबाइल्स भी देख लें, हम अपने ऑफिस के टारगेट्स भी पूरे कर लें, रात भर जग के हम पार्टी भी कर लें। आदमी क्या चाहता है कि वो एक क्षण भी आनंद का छोड़ना नहीं चाहता। पर पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे ही अंधेरा होता था 7-8 बजे तक मैक्सिमम लोग गहरी नींद में सो जाते थे, 8-9 घंटे की नींद लेते थे, सुबह फिर शांति से उठते थे, उनके जीवन में कोई भाग दौड़ आपाधापी नहीं थी। पर ये हमारे जीवन का अब हिस्सा है, पर आप बोलेंगे कि साहब ये तो जरूरी है, मॉडर्न इसमें इसके बगैर नहीं रह सकते। तो आपको उसमें आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा कि आप रात भर जगकर OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप मूवीज देखें, आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा कि लंबे समय तक आप मोबाइल में बिजी रहें, आप अपने आसपास के लोगों से बात करें, हंसी ठट्टा करें, समय पर जीवन को सही में तरीके से बांधें। देखिए क्या होता है कि इस दौड़ में कहीं ना कहीं ये भी आ गया कि हाँ भाई हमको बड़ा दिखना है तो हम लंबी लंबी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आने जाने में एक जमाना था कि बहुत से लोग आसपास के ऑफिस होते थे तो पैदल चला जाया करते थे, पर आजकल पैदल चलना कुछ लोगों को शर्म की अनुभूति कराता है, साइकिल में चलना तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि फैशन के बाहर हो गया और ये गरीब लोगों का काम है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की अमीरी साइकिल चलाने पर ही आएगी, और स्वास्थ्य की अमीरी आपकी आर्थिक अमीरी से बड़ी है, ये आपको मालूम ही है, क्योंकि अंदर से अंदर आप चाहते ही हैं कि जीवन लंबा हो, खुशहाल हो और आप हमेशा यंग दिखते रहें। तो ये चीजें तो आपको करनी ही होगी। फिर दूसरा, खान पान में परिवर्तन करिए। एक अच्छी नींद लेके जब आप खान पान में परिवर्तन करेंगे तो नमक, देखिए WHO का कहना है कि लगभग 5 ग्राम सॉल्ट आदमी ने 24 घंटे में लेना चाहिए। शोध कहते हैं कि भारत के लोग लगभग 10 से 11 ग्राम सॉल्ट दिन भर में ले लेते हैं। तो कोई भी जैसे टेंड आइटम्स हैं, इसमें सॉल्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा, इसमें शुगर भी ज्यादा रहेगा, इसमें फैट भी ज्यादा रहेगा,
तीनों चीजों, टिंड आइटम्स की जगह आप बहुत जल्दी में हैं, फिर भी कोशिश करें, ये सुनिश्चित करें कि घर का भोजन आप स्वयं बनाएं, घर के लोगों ने बनाना चाहिए भोजन, और वो बिल्कुल ताजा भोजन, कहते हैं ना ताजा भोजन जीवन में खुशियां लाता है, तो वो सच है। तो नमक की मात्रा कम करें, फिर इसके साथ शक्कर की मात्रा कम करें, दिन भर में लगभग 5 से 6 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 7 चम्मच शक्कर ले सकते हैं। जो बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने शक्कर बिल्कुल ही छोड़ दी, वो भी एक अच्छे प्रयास है। तो ये जो शक्कर है ये भी आपको शरीर में एथरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ाएगा और बाकी परेशानी आएगी। तीसरा है सैचुरेटेड फैट। होता ना एक जमाना था डालडा का, तो डालडा में पर तली हुई पूरियां बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, उसकी आलू की सब्जी तो आज भी मुझे याद है, अब मिलती नहीं। पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जागृति आई, तो डालडा जैसी चीजें शुद्ध घी अच्छा है पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एक सीमा के बाहर शुद्ध घी भी सैचुरेटेड फैट ही देगा आपको। तो जो सैचुरेटेड फैट है आपको नॉन वेज में मिलेगा, आपको मीट में मिलेगा, आपको बीफ में मिलेगा। तो ये जो सैचुरेटेड फैट है ये आपको बीमारी की तरफ लेकर जाता है। सैचुरेटेड फैट आपका 5 से 6% ही होना चाहिए भोजन का भाग, पर ऐसा नहीं होता। जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं वो दिन में 4 4 5 5 सर्विंग नॉनवेज लेते हैं और उनका व्यायाम कुछ भी नहीं है, तो उनका सैचुरेटेड फैट ये 5 से 6% की परिधि बहुत क्रॉस कर जाता है, रोज क्रॉस कर जाता है, निरंतर क्रॉस करता रहता है। तो ये जो सैचुरेटेड फैट है फिर भी एथरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है, आपके शरीर में तकलीफों को बढ़ाने में मदद करता है, और आपका शरीर अगर आपके ही विरुद्ध हो जाए तो फिर तो क्या कहने, तो घर का वेदी लंका डाय। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर का पहले ध्यान रखें, क्योंकि इस दुनिया में हमारा वजूद तो हमारा शरीर ही है। तो आप सॉल्ट कम करिए, शुगर कम करिए, आप सैचुरेटेड फैट कम करिए, इस तरह के फैट्स बढ़ाइए जैसे जो नट्स में मिलते हैं, बादाम में मिलेगा आपको, ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा, आपकी दालों में भी बहुत सारी जगह फैट है, पर वो फैट बुरा इतना नहीं है, फिशेस का भी फैट बुरा नहीं है। तो इन सब चीजों का समावेश अगर सही तरीके से करते हैं, और इसके साथ साथ फाइबर बढ़ाइए। क्या होता है कि फाइबर रेशेदार चीजों को, साबुत चीजों को लेना हमें पसंद नहीं है, हमें क्या लगता है कि हमारी अमीरी है तो बहुत महीन पिसा हुआ गेहूं, मैदे की रोटियां कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है क्योंकि सफेद सफेद दिखती हैं, पर क्या होता है कि ये जो मैदा है इसमें रेशेदार चीजें कम हो जाती हैं, जो वीट के बाहर का रेशा होता है वो चला जाता है। फिर आजकल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, तो ज्वार बाजरा इस तरह के अनाज का सेवन, साबुत अनाज का सेवन ज्यादा करें, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को रोकेगा, ये आपके शरीर में फैट जमने से रोकेगा, आपको शुगर नियंत्रित करेगा। तो अब बहुत सारी चीजें जो है आपको अतिरिक्त तौर पे देगा जो कि वैसे आपको खाने में नहीं मिल रहा था। तो ये सी चीजें कम करने के साथ साथ हमारे सबसे बड़ा फिर शत्रु आता है जीवन शैली में, स्मोक करना। देखिए क्या होता है कि आजकल मैं ये देख रहा हूं कि यंग लड़कियों को भी देख रहा हूं कि वो खोमचे में सिगरेट खरीदते हुए मिल जाती हैं, ऐसा सीन पहले नहीं देखने मिलता था। तो आजकल बच्चों को भी मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कि बेटा स्मोक करते हो कि नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ सर मैं स्मोक करती हूँ, और वैसे ही लड़कों में भी है। तो ये जो स्टाइल स्टेटमेंट है, ये स्मोकिंग जो है ये बहुत स्ट्रेस बढ़ाता है, ये जो स्मोकिंग है शरीर की धमनियों को सिकुड़ता है, सांस की फेफड़ों में भी अंतर आता है और हृदय की धमनियों में भी अंतर आता है, दिमाग की धमनियों में भी अंतर आता है। तो लकवा, हृदय रोग, कैंसर, मुंह का कैंसर, और ये जितने भी आपकी निकोटिन बेस्ड चीजें हैं जैसे खैनी है, टोबैको है, तंबाकू है, ये नाना प्रकार की चीजें भी आपके शरीर में दुष्परिणाम की तरफ आपको लेकर जाती है। तो ये चीजें आपको छोड़नी होगी, ये बहुतायत में हो गया है। मोबाइल का टाइम आपको सीमित करना होगा, एक बहुत ही सेपरेट, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ एक अलग ही एंटिटी के तौर पर मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट आंकड़ा कहता है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ स्मार्टफोन है। देखिए सोचिए 100 करोड़ स्मार्टफोन का होना एक ताकत भी हो सकती है, ताकत के तौर पे ही जहां डेटा मुझे मिला वहां ताकत के तौर पे ही दिखाया गया था कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता में 99% जनता के पास, 95% जनता के पास फोन है और 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, हो सकता है कुछ लोगों के पास दो दो स्मार्टफोन हो। तो आप देखिए कि कितना बड़ा समय उनके जीवन का ये जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने का, वीडियोस देखने पे, यूट्यूब पे देखने पे जाता होगा, और उसी समय जब वो व्यायाम कर सकते हैं वो एक ही जगह बैठे अपना जीवन का आनंद लूटते रहते हैं।
मैं तो देखता हूँ कि क्लास 3 क्लास 4 कर्मप्राचार्यों, मेरे ड्राइवर के पास भी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन क्यों है? क्योंकि वो खाली समय पे जब वो गाड़ी में बैठा रहता है तो वो व्यायाम नहीं करता, कुछ और काम नहीं करता, दिन भर वो स्मार्टफोन देखता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के स्तर पे भी, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आप देखिए बिल्डिंगों के बाहर, वो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो इन लोगों का जो ये जो काम है, बड़ा क्रियाशील काम माना जाता था, अब ये बहुत सेडेंटरी काम हो गया है और ये बीमार हो रहे हैं। देखिएगा आपके जितने भी, कल ही मैंने मोटापे के बारे में लिखा था कि तोंद के बारे में लिखा, तो एक सज्जन ने मुझे बोला कि क्या गरीबों में आपको तोंद दिखती है। मैंने कहा कि आपका परसेप्शन गलत है, आपको समाज में देखना चाहिए। आज की डेट में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की तोंद ज्यादा है, वो ज्यादा मोटे हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक ही शगल है, भोजन। भोजन से ही उनके जीवन में आनंद आता है और जो टेंशन तनाव है वो अच्छा भोजन करके वो कम करते हैं। तो ये भी समस्या बहुत अभूतपूर्व तौर पे हमारे समाज में आ गई है। तो सिगरेट, तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखा, इसको पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करें। और ये सामाजिक तौर पे भी आपके लिए गलत है, क्योंकि आए दिन आप कहीं भी थूक देते हैं, निशान बन जाते हैं, अच्छे से अच्छी जगह में भी, प्रतिष्ठित जगहों पे भी बुरा असर पड़ता है, और शरीर पे, शरीर के निशान तो मिटते ही नहीं, फिर वो आपके साथ ही जाते हैं। तो हमें ना मुंह का कैंसर चाहिए, ना फेफड़े का कैंसर चाहिए, ना हृदय रोग चाहिए, ना हमें लकवा चाहिए, ना गुर्दा खराब होना चाहिए। तो आपके लिए जरूरी है कि धूम्रपान और टोबैको प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ें। शराब के बारे में थॉट्स डिवाइडेड हैं। कुछ लोग आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, शराब में तो ये भी लिखा हुआ है कि रोज वाइन पीने से आराम मिलता है, वाइन पीने से हृदय रोग रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डमी कैलोरीज, जो ऐसा पोषक तत्व जिसमें पोषण नहीं है, केवल ऊर्जा मिलती है, वो है शराब। तो इस तरह का भोजन आप करते हैं और शराब लेते हैं, तो उसके ऊपर भोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उस दौरान, शराब लेने के दौरान आप बहुत कुछ खा लेते हो, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। शुगर वाला मरीज है तो शुगर बढ़ जाता है, हृदय रोग वाला मरीज है तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। तो ये शराब वाला जो मदिरा पान की आदत है, वो भी बहुत ज्यादा फैशन में आ गई है। कभी कभार चलता है, मैं आपके आनंद के बीच में नहीं आऊंगा, पर कोशिश करें कि इसको बहुत ही सीमित दायरे में बांध कर रखें। तो आपने सिगरेट छोड़ दिया, शराब कम कर दी, विचारों पे अंतर लाइए, विचारों में जल्दबाजी में मत रहिए, क्योंकि आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेन बिल्कुल स्टेशन छोड़ के जाने ही वाली है और आपको आखिरी समय बिल्कुल दौड़ते हुए अपने डब्बे पे चढ़ना है। यही स्थिति हमारे मैक्सिमम जवान लोगों की हो गई है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं स्वयं को लेकर इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो कहीं ना कहीं, उनका मन हमेशा उद्वेलित रहता है कि हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। मित्रों, मैं जीवन के इस पड़ाव में, 40वें दशक में, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं पहले भी उतना ही आनंदित था जितना आज हूँ। पहले मेरे पास जितने पैसे थे और आज में काफी अंतर है, सामाजिक स्तर मेरा अलग है, पर मुझे दोनों ही परिस्थितियों में क्षणिक भर का कोई अंतर नहीं दिखता। पर हाँ, अगर मैं इस दौरान में, किसी दौर में ज्यादा तनाव में रहता हूं, तो वो दौर जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हर जिस भी सामाजिक स्तर पे आप हैं, वहीं पे खुश रहने की कोशिश करें और आगे के लिए प्रयोजित तरीके से काम करें, बिल्कुल संयमित तरीके से काम करें। सफलता तो कदमों पर आएगी ही, तो सफलता के आने आने तक जरूरी है कि ये हृदय भी अच्छा रहे, मन भी मजबूत रहे और किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस या बीमारी आपको ना घेरे। तो आशा है आपको इस बात की समझ होगी कि क्या असली जब समस्या है, तो सबसे ज्यादा असली समस्या यही है, संतोष। सबसे ज्यादा जरूरी है ये है कि ये विवेक समझने का, इस विवेक की आवश्यकता है कि जीवन एक दौड़ नहीं है, एक ये नियोजित प्रयास है, अब निरंतर करने वाला प्रयास है। सफलता कम ज्यादा आती रहेगी, पर जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, खान पान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत स्ट्रेस में, तनाव में है तो कचौड़ी, समोसा, इस तरह का भोजन हो। शक्कर बहुत ध्यान रखें कि कम मात्रा में लें, नमक कम करिए, नियमित व्यायाम करिए, और कोई भी नया व्यायाम चालू करते हैं उससे पहले, अगर आप 40 से ऊपर के हैं तो कोई भी नया व्यायाम चालू करते हैं उससे पहले अपने हृदय की जांच करवा लीजिए, अपनी हृदय की जांच करा लीजिए। एक कैल्शियम स्कोर मैंने पहले भी बताया है, वो करिए। अगर कहीं धमनियों में रुकावट आती है तो वो आपको डॉक्टर बताएंगे आगे क्या करना है। कोई ऐसी चीज नहीं आती है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर आप एक विशेषज्ञ की सलाह में एक्सरसाइज करिए, ट्रेनर की सलाह में। अगर जिम में करना है तो एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने का काम ना करें, आप धीरे धीरे प्रयास करें,
तो जिम में भी आपको सफलता मिलेगी। और बहुत ज्यादा वजन उठाने की आवश्यकता ही क्या है, क्या जरूरत है आपको पहलवानी थोड़ा करनी है। पर हाँ, धीरे 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 आप अगर वजन बढ़ाते हैं और कसरत करते हैं, और आपके शरीर को आपको चाहिए कि बिल्कुल जवान आदमी की तरह हष्ट पुष्ट शरीर हो, तो कोई बुराई नहीं है, पर उसको पाने की गति बहुत धीमी होनी चाहिए। तो ये सब सारे परिवर्तन करें, एक लंबी नींद और संतोषी जीवन, तो ये सुनिश्चित करेगा कि आपके जीवन में इस तरह की अनहोनियां नहीं होंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।